हेलो एवरीवन, स्वागत है हर घर फूड्स में। तो मैंने भिंडी लिया है, धुलकर इसे काट लेते हैं टुकड़ों में। तुरंत ही धुला है, पानी भी नहीं पोंछ कर रखी हूँ। तो ये देखिए कट कर लिया है। और फिर हम कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पे, ना डालेंगे तेल और कढ़ाई को खूब अच्छे से गर्म होने देंगे। और फिर हम तेल को अच्छे से फैला देंगे पूरी कढ़ाई में। अगर इस तरीके से हम बनाएंगे तो भिंडी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं और अच्छे से बनेगा, तैयार होगी, चिपचिपी नहीं बनेगी और कम तेल भी लगेगा। तो तड़के में मैंने मिर्ची डाला है, लहसुन मिर्ची डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं। तो भिंडी डालेंगे अभी और इसे 2-3 बार चलाएंगे और फिर इसे हम ढककर पकने देंगे। तो आंच तेज़ रखें या फिर मीडियम रखें, लेकिन एकदम धीमा करके ना रखें। अगर हम इसे धीमे आंच पे बनाएंगे तो जल्दी से गल जाएगी और एकदम गली गली तैयार होगी, अलग अलग नहीं रहेगा। तो इसे फिर से चला देते हैं इसे, तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहें और ज़्यादा मैसी ना करें, बस आराम से चलाएं। और अभी यहाँ पर मैंने नमक नहीं डाला है। नमक अगर हम यहाँ पर पहले डाल देंगे तो भिंडी जल्दी से गल जाएगी और चिपचिपी बनकर तैयार होगी। तो थोड़ा भिंडी और पक जाए तब हम डालेंगे नमक। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी डालकर पका सकते हैं। और मसाला डालना है या नमक डालना है तो हम बाद में डालेंगे। तो अभी हम नमक डालते हैं क्योंकि भिंडी लगभग 80% तैयार है। तो यहाँ नमक डालेंगे और फिर इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। अगर आप मसाला डालना चाहते हैं तो थोड़ा और पक जाए तभी हम मसाले डालेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो अभी जैसे तैयार हो रहा है तो अभी यहाँ पर हम गैस धीमा कर सकते हैं। तो ये देखिए भिंडी एकदम बढ़िया खिली खिली और कलर भी अच्छा आया है, तैयार है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर मसाला डाल दें। तो मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सब्जी मसाला और इसे 1 मिनट तक और पका लेंगे। बस हमारी भिंडी तैयार है, देखिए एकदम अच्छा कलर आया है और खिला खिला भी है और तेल भी ज़्यादा नहीं लगा। तो इस तरीके से आप भी बनाइए और बताइए कैसा लगा। धन्यवाद।